दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली दर्पण टीवी लेगा दिल्ली के विकास कार्यों का जायजा। देखिए हमारी खास पेशकश, क्या है दिल्ली के दिल में, दिल्ली दर्पण टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं यश खुराना और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं बादली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जीवन पार्क में। यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि उनके क्षेत्र की मूल समस्या और सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसका निपटारा अभी तक हो नहीं सका है। चलिए चलते हैं। ये देखो अपने सामने से जो गली जा रही है, इस गली के अंदर में आज तक सुधार नहीं हुआ है, कभी भी नहीं, समझे नहीं। ये सामने में इंदिरा गांधी के नाम से वो है, अपना बाउंड्री है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के नाम से है, मगर वो आज तक मेरे को देखे देखे 32 साल हो गए मेरे को यहाँ पे। आज बन रही है, कल बन रही है, परसों 15 तारीख का भी टाइम था उसका, 15 तारीख को भी नहीं हुआ। पाते नालियाँ हमारे यहाँ बिल्कुल, ये पानी बारिश, एक बारिश हो जाती है पूरा तालाब बन जाता है। यहाँ पे गंदा पानी है, नाली का कोई विकास नहीं है। यहाँ पे सफाई करने वाला एक बंदा है, ठीक है, वो बेचारा अकेला कहाँ तक करेगा। बाकी बहुत बुरा हाल है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, घर से बाहर निकलते पानी नाली का। लेकिन ये खेलने के लिए गाड़ी के नीचे आ जाते हमारे बच्चे, है नाली सफाई नहीं हमारे यहाँ तक, कूड़े की गाड़ी नहीं लग रही हमारे उधर, है एमसीडी कुछ करती नहीं। देखो सारे प्लॉटों में कूड़ा डालना पड़ता है हमारे को, है हम गाड़ी बिल्कुल नहीं आती हमारे, सारे कूड़े की गाड़ी हमको यहाँ कूड़ा हमको दूसरे के प्लॉटों में फेंकना पड़ता है, रोड डेली लड़ाई हो जाती, गाड़ी के अंदर नहीं आती बिल्कुल भी। सबसे गंदी है और स्कूल जाने की इतनी परेशानी होती है ना हमें, हम ही जानते हैं। सुविधा नहीं दिया जाता है ना, कूड़े की गाड़ी कभी आते हैं, कोई चीज़ नहीं है। बच्चे कहाँ खेले, कहाँ कूड़ा फेंकने जाओ कहीं खाली पार्क में, तो भी सब गुस्सा करते हैं कि जो क्यों फेंकते हो यहाँ, तो कहाँ जाए फेंकने के लिए। स्कूल की है, स्कूल की रास्ता ऐसी बेकार है जो बच्चे के जाने आने में काफी परेशानी होती है। पानी खरीद करके पीना पड़ता है, पानी है गंदा है ना, टैंकर आते हैं, ये जो टूटी का पानी आते है पीने लायक नहीं है, हम लोग खरीद करके पीते हैं, और ये टैंकर आता नहीं है, और नाली जैसा भर जाते हैं, लैटिंग ऊपर तक आ जाती है, यहाँ बैठा नहीं जाता। बने हुए हैं, डालने नहीं देते। पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, पानी फ्रिज का पीना पड़ता है, खरीद के पीना पड़ता है, कूड़े की गाड़ी है वो भी नहीं है, टाइम पे आती है, और क्या क्या बताएं, हर परेशानी है, कौन सी सिर्फ परेशानी नहीं है, हर चीज़ परेशानी है। सबसे ज़्यादा कूड़े की परेशानी, पानी की भी आई, और ये गली की भी है ही, मतलब हर चीज़ है, कूड़ा वाली नाली वाली नहीं है, कूड़े वाली नहीं है, हर चीज़ कुछ भी नहीं है, मतलब क्या कहाँ हमारे बच्चे के लिए कहाँ वो करे। नालियों का पानी बाहर रोड्स पे निकल रहा है, ये समस्या है सबसे बड़े, और ना तो यहाँ कोई पाली पार्क है यहाँ पे, नाम कॉलोनी चार पार्क है, कोई एक भी पार्क नहीं है यहाँ पे। बाकी तो और सारी सुविधा, लाइट वगैरह, बिजली पानी तो सारी सुविधा है, ठीक है। जो जो कहे वही बात है, अब मैं क्या दूसरा कहूँगा, थोड़े नहीं नहीं वो जो कह रहे हैं वही बात है जी, बस आ गया हूँ मैं। नीचे हालत खराब हो गई जी, ये लग चुकी है जी, नुकसान ही हुआ, फायदा क्या हुआ है। और बताओ सर, समस्या ही समस्या है, ये ठीक हो जाए, ये सोली हो जाएगा। परसों तो स्कूल की बस फंस गई भैया, यहाँ बच्चे बेचारे परेशान हो गए, लेट हो गए यहाँ से, रात भी बारात की बस रुक गई यहाँ, ये बड़ा ना बना हुआ भैया, पुलिया सुसरी आग लग रही है, पुलिया बननी चाहिए और क्या भैया, हमारे लिए तो सही है भाई, यही दिक्कत है। जैसे ये पुलिया टूट गई है, बन जाती तो आने जाने वाले लोगों को थोड़ी सुविधा हो जाती, अब जैसे ये सामने से चैंपियन आ रही है लोड, तो ये यहाँ से नहीं निकालेगा, अब ये घुमा के काफ़ी दूर से आएगा, अब थोड़ी सी इससे आगे जाएंगे, देखो वो आपको दिख रहा है जहाँ गाय हैं, अगर ये मतलब कूड़े वाली गाड़ियाँ टाइम पर आए तो फिर ये सब साफ सब हो ही जाएगा। कुछ कोई ट्रक फंसा ही रहता है कीचड़ में, गारे में, पूरे साढ़े का रोज़ दिक्कत है यहाँ निकलने की भाई, इतनी समस्या, बस क्या बताएं भाई। मेरा घर या अगर मैं ये रोड पे जाऊं तो मुश्किल से 2 मिनट का, मेरे को ऐसे घूम के जाना पड़ता सारा रोड कवर करके, इतनी समस्या है भाई यहाँ रोड की। तो हमने लोगों से जाना कि उनके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसका अभी तक निपटारा नहीं हो सका है, जैसा कि आपने देखा भी है। कैमरामैन लोकेश कुशवाहा के साथ महेश खुराना, दिल्ली दर्पण टीवी के लिए।